प्रणधार सुंदर साथ जी, आपने एक माह तक वितक चर्चा बहुत प्रेम पूर्वक श्रवण की। यह वितक हमारे दार्शनिक सिद्धांतों को उजागर करती है, हमारे अतीत की गरिमा को उजागर करती है। किस तरह से सुंदर साथ ने धामधनी के प्रेम की राह में अपना समर्पण किया, अपनी श्रद्धा दर्शाई। आप देखेंगे कि जिस तन में अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, महामती जी का वतन दीप बंदर से चलता है, मस्कत बंदर, आवासी बंदर, वहां से लौटने के पश्चात किस तरह से सूरत, पुनः मेड़ता, दिल्ली, हरिद्वार, पुनः दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर होते हुए पन्ना जी पहुँचते हैं। यहाँ तक सूरत से जब चले थे तो 500 की संख्या थी, दीप बंदर से जब चले थे मस्कत बंदर के लिए, ठट्टा नगर के लिए, तो अकेले थे। और पद्मावतीपुरी तक पहुँचते पहुँचते 5000 की संख्या पहुँच जाती है। यदि आप सत्य का उद्घोष लेकर चलते हैं, सत्य पर समर्पित होकर के, सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में स्वयं को समर्पित करके चलते हैं, तो राज्य का वरदहस्त पल पल आपके साथ है। आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो वर्तत, सो सब इसका हक्का पल पल मेहर करत। हमारे साथ हर पल जो बीत रहा है उसमें राज्य की कृपा छिपी हुई है। आप देखेंगे कि प्रेम समर्पण कराता है। प्रेम का अर्थ है स्वयं को लुटाना, कुछ पाने की चाहत नहीं रखना। मुकुंददास जी के दिल में भाव आया, उन्होंने अपनी नव ब्याहता पत्नी का परित्याग कर दिया। यह नहीं सोचा कि उसका क्या होगा या उसके बिना मेरे जीवन का क्या होगा। हमारे लिए सारी चीजें प्रेरणादायी है। भीम भाई ने घर से चलते समय नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा वेदांत का आचार्य श्री जी के साथ क्यों चलूं। लालदास जी के साथ तो परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बन गई कि उन्हें विवश होकर राज्य की शरण में आना ही था। या जितने सुंदर साथ जो पन्ना जी तक पहुंचे 5000 की जमात में, वैसे चिंतामणि जी का मिर्गी की बीमारी से मार्ग में ही धाम गमन हो गया था, लेकिन चिंतामणि ने श्री जी के पीछे चलने में जरा भी देर नहीं की, अपनी गादी को ठुकरा दिया। ऐसे अनेकों सुंदर साथ हैं जिसमें बच्चे हैं, युवा हैं, वयोवृद्ध हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सब लोग यही मान लिए कि महामती जी के धाम हृदय में हमारा प्राणेश्वर अक्षरातीत लीला कर रहा है, और इसलिए अपना तन, मन, जीवन सब कुछ धामधनी के चरणों में सौंप दिया। जमुना बाई का इकलौता बेटा छबील दास जल पिलाते पिलाते श्री जी के चरणों में सेवा करते करते अपना तन छोड़ा। क्यों? धाम मेलो सदीवे दुर्लभ मेलो संसार, लेकिन ये तो सुंदर साथ के लिए भी बात बहुत अच्छी है। हम सुंदर साथ में प्रेम की भावना रखें, परम धाम के अद्वैत एकत्व की भावना, एक दिली की भावना से सबको देखें। सुंदर साथ के समूह में जाति पाति का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जो सुंदर साथ में जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद का जहर घोलते हैं, समझ लेना चाहिए कि उनके अंदर परमधाम की कोई आत्मा नहीं, वो माया के जीव हैं और अपने कीचड़ भरे मस्तिष्क से वैसी छोटी सोच रखा करते हैं। आत्मा की कोई जाति नहीं होती। जाति व्यवस्था तो यहाँ अज्ञानी लोगों ने बनाई है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि चातुर वर्ण माया सृष्ट गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था होती है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं, जन्म से कोई वैश्य नहीं, जन्म से कोई शूद्र नहीं। ये चारों वर्ण कर्म से बनते हैं। ब्राह्मण यदि ज्ञान नहीं रखता, तप नहीं है, विवेक नहीं है, भक्ति नहीं है, तो शूद्र है। क्षत्रिय यदि खेती करता है तो वैश्य है। लेकिन शूद्र कुल में उत्पन्न होकर यदि किसी के पास ज्ञान है, भक्ति है, विवेक है, वैराग्य है, शील है, संतोष है, तो ब्राह्मण है। इसलिए सुंदर साथ में ये विभाजक रेखा कभी नहीं खींची जानी चाहिए।
कि हम पटेलिया हैं, हम आदिवासी हैं, हम क्षत्रिय हैं, या हम वैश्य हैं या पटेल हैं, ये महापाप है। ये तो संसार की रीति है। महाभारत काल से पहले कोई वर्ण विभेदन नहीं था। और ये भी बात मैं आपको कह दूँ कि ये आदिवासी शब्द जो है केवल देश को लड़ाने के लिए किया गया है। ये अंग्रेजों की चाल थी, जिन्होंने लिखा कि आर्यों के आने से पहले इस देश में आदिवासी रहते थे। जो पहले रहते थे उनको आदिवासी कहते हैं, जो वनों में रहा करते थे और वो द्रविड़ दक्षिण में चले गए, वो द्रविड़ है। पूरे देश का चेक जांच की जाए तो सबका डीएनए एक ही होता है। डीएनए एक है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी एक मानव मात्र हैं। आर्य का अर्थ होता है जिसका गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ है। आर्य कोई जाति नहीं है। सबसे पहले सृष्टि हिमालय में पैदा होती है और वही फैलते फैलते दक्षिण तक चली गई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। रावण भी तो विश्वा मुनि का पुत्र था, पुलस्त का पोता था, लेकिन उसका आचरण श्रेष्ठ नहीं था, इसी कारण उसको राक्षस कहते हैं। आज जो देश को बांटने के लिए तरह तरह की जातियों की कल्पना कर ली गई है, 1200 जातियां बना दी गई ताकि हिंदू समाज इसी में लड़ता रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाता रहे, ये अपराध है। और धार्मिक दृष्टि तो बहुत बड़ा अपराध है। न तो कभी किसी के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव करना चाहिए, न किसी की जाति पूछनी चाहिए। श्री जी के चरणों में 5000 की संख्या में सुंदर सा पन्ना जी पहुंचा था। धामधनी ने सबको संबोधित करके कहा, न तुम ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, एकमात्र सच्चिदानंद परब्रह्म के स्वरूप की पहचान तुम ही है, इसलिए तुम ब्राह्मण से भी परे हो, परम धाम से आए हो, धाम से आने के कारण तुम्हें धामी कहा जाएगा। आज जो भी परम धाम की ब्रह्मात्मा है वो अपने आत्मिक भाव को लेकर दूसरों के साथ व्यवहार करे। यदि जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, प्रांत के नाम पर इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा। तेरी गिनती बाधी सांसी श्वासों श्वास, एक सांस की भी नहीं विश्वास। हमारे जीवन का एक एक पल अति कीमती है। बाहर जगत में तो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, प्रांत के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। यदि धार्मिक क्षेत्र में भी यही विकृति फैल जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा, और वो भी छठे दिन की लीला में, जहाँ हमारा एक एक पल राज्य की शोभा श्रृंगार में डूबने में होना चाहिए, तारतम वाणी के चिंतन में होना चाहिए, ये वाणी के प्रकाश को फैलाने में होना चाहिए। वहाँ यदि लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे को कट वचन बोलेंगे, पीठ पीछे निंदा करेंगे, तो हमारी आत्मिक प्रगति कभी नहीं हो सकती है, न हमारी आत्मा की जागृति हो सकती है। इसलिए सब सुंदर साहब से मेरा विशेष निवेदन कि हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है प्रेम। प्रेम सेवाए पामसो पार, ए बचन धनी के कहे निर्धार। धामधनी ने क्या कहा है? अब कौरी इसकी बात, इसक शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने सब, तो चौदह तबक को करे रत। परिक्रमा में पहली चौपाई आती है यही। इसका कारण क्या है? यदि हम परम धाम की उड़ान भरना चाहते हैं, अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं, तो हृदय में प्रेम लेना पड़ेगा। बचने कामस काटिए, राखिए नहीं रजमात्र, जोग भाई सर्वे जीतिए, त्यारे थइए प्रेम ना पात्र। हमें अपने इंद्रियों के विकारों को जीतना होगा, और ये कैसे जीता जाएगा? केवल चितवनी से, वाणी के चिंतन और चितवनी से हमारे अंतःकरण के विकार दूर होंगे, तभी हमारे अंदर प्रेम आएगा। और बिना प्रेम के राज्य का दीदार नहीं हो सकता, बिना राज्य के दीदार के हम अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर सकते, जागृत हुए बिना परमधाम का सुख नहीं ले सकते, और हमारा इस संसार में आना व्यर्थ हो जाएगा। आपने अष्टपर की लीला में सारा कुछ सुना होगा, चाहे भीम भाई हों, लालदास जी हों, मुकुंददास जी हों, परमानंद जी हों, नूर खां हों, शेख बदल हों, मिहिन खान हों, सभी दिन रात जग रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन इसी में लगा दिया। और यदि दाहोद का सुंदर साथ कहीं न कहीं धार्मिक स्थानों को लेकर विवाद खड़ा करेगा, आपस में लड़ता रहेगा, तो उसके हाथ में क्या मिलने वाला है?
जागने का अर्थ कोई मंदिर या आश्रम खड़ा कर लेना नहीं, जागने का अर्थ है आत्मदृष्टा होकर के संसार के खेल को देखना और अपने धाम हृदय में अपने प्रीतम की छवि को बसा लेना और दूसरों को भी इसका सुनहला अवसर देना कि वह भी इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाए। यदि हम एक दूसरे को घृणा से देखने में ही सारी ऊर्जा लगाएंगे तो कुछ समय के बाद यदि हम मूल्यांकन करें कि हमने क्या खोया क्या पाया तो उत्तर मिलेगा हमने कुछ पाया तो नहीं, सब कुछ खोया ही खोया है। धामधनी ने कहा है इमोहे साहिबो न जावी जो कहे साथ में कटु वचन। हम सुंदर साथ में किसी को कटु वचन न कहें क्योंकि प्रेम भगवान तो ऐसे लगत हैं अंग होते हैं टुक टुक। दूसरों को जीतना है तो सच्चे हृदय से बोलना सीखे, प्रेम से बोलना सीखे, जो अंदर हो वह बाहर हो। ऐसा नहीं कि अंदर में कुछ और है बाहर में कुछ और। ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है, तन दिल दो एक रूह कहियत है सो। ब्रह्म सृष्टि वह है जैसा वह दिल में सोचती है वैसे ही जीवा पर भी लाती है। वैसे ही अष्टभैर की लीला को यदि हम आत्मसात कर लें, पूरी वीतक को हम आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। उन ब्रह्मनियों के पदचिन्हों पर चलकर हमें भी संतोष का अनुभव हुआ होगा कि हमने भी अपनी जागने की राह में कुछ कदम तो बढ़ाए हैं। अपने इस जीव को धामधनी के चरणों में सौंप कर हमने अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया और इसके लिए आपको प्रेम और सेवा का व्रत लेना होगा, युगल स्वरूप के प्रति निष्ठा का भाव रखना पड़ेगा। हर साल आप बीतक सुनते हैं लेकिन जैसे बीतक के कुछ समय बीत जाते हैं आप बिना पुनः वैसी ही भावनाओं में राग में द्वेष में दूसरे की निद्रा में यदि अपना समय गंवाते हैं तो आप दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, सबसे अधिक नुकसान आपका हो रहा है क्योंकि आपके जीवन का एक एक पल नकारात्मक भाव में दूसरों की निंदा करने में घृणा के संस्कारों में बीत रहा है और ये घृणा द्वेष के संस्कार आपकी चितवनी कभी लगने नहीं देंगे। आपके लिए भलाई इसी में है कि सबको प्रेम की दृष्टि से देखिए, सबका भला सोचिए, सपने में भी किसी का बुरा ना कीजिए, पीठ पीछे किसी की निंदा ना कीजिए और सबको परम धाम की भावना से देखिए। अपने अंदर से यह मिटा दीजिए, यह हीन भावना भी मिटा दीजिए कि मैं पटेलिया हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, कुछ नहीं सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं केवल परम धाम की आत्मा हूँ और परम धाम के सभी सुंदर साथ से मेरा आत्मिक प्रेम है और प्रेम हमेशा ही बना रहे। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि श्री पद्मावती पुरी धाम में श्री प्राणनाथ जी के तन के प्रकट के संबंध में जो 400 साल का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, 400 प्राण रखे जा रहे हैं, उसमें दाहोद का जो भी सुंदर साध प्राणनाथ ज्ञान पीठ सरसावा पर श्रद्धा रखता है प्राणनाथ ज्ञान केंद्र में उसका स्वागत है। सब सुंदर साथ आए, उनके ठहरने भोजन या सभी चीज़ों की व्यवस्था होगी यथासंभव ज्ञान केंद्र को अपना मानकर सब सुंदर साथ आए, ये मेरा निवेदन है। और अपने मनोमालिन्य को छोड़कर सब प्रेम से रहें, यही मेरी शुभकामना। प्रणाम जी।